हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरे मोगरा प्लान का अपडेट दूंगी, कैसे मोगरा फ्लावर्स मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी के गार्डन में वाइट कलर के ब्यूटीफुल समर फ्लावर मोगरा बहुत बहुत ज़्यादा खिल रहा है। तो मेरे पास दो दो मोगरा प्लांट्स हैं, एक टेरेस में है और एक नीचे है। नीचे मतलब ग्राउंड में लगा हुआ नहीं, ऊपर भी टेरेस में भी पॉट में और नीचे ग्राउंड में भी पॉट में लगा हुआ है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह इस साल ब्लूमिंग कर रहा है मेरे मोगरा प्लांट्स, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं प्लांट के पास जब खड़ी हूँ ना, तब इतना अच्छा सुंदर स्मेल आ रहा है, मैं क्या कहूँ आप लोगों को। और मोगरा प्लांट्स को हम समर के लिए कैसे तैयार करेंगे, कैसे इतना फ्लावर्स आए, इसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। मैं फिर भी एक बार मैं आपको बोलूँगी, मोगरा प्लांट के लिए फ्लावर्स लाने के लिए सबसे एक ज़रूरी टिप से वो है प्रूनिंग। मोगरा प्लांट्स के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। फरवरी में आप ज़रूर इसको अच्छी तरह प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि मोगरा में न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावर्स आता है, पुराने ब्रांचेस में नहीं। तो जब आप प्रूनिंग करेंगे, न्यू ब्रांचेस आएंगे और उसमें बर्ड्स ज़रूर आएंगे। और जब फ्लावर ख़त्म हो जाए, सूख जाए, तब भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, थोड़ा सा पिंचिंग कर दीजिए, और इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पूरे के पूरा प्लांट्स में पूरे बर्ड्स भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा बर्ड्स से देखिए, आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच में बर्ड्स है। और जहाँ पे खिला है देखिए, मैं फ्लावर्स भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, और लीव्स आप देख सकते हैं, प्लांट्स के लीव्स भी बहुत हेल्दी है। मोगरा के लिए काउडंग या वार्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करती हूँ, काउडंग मिल जाए तो काउडंग या वार्मी कंपोस्ट मिलता है तो वही मैं यूज़ करती हूँ। किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस गर्मी में मैं यूज़ करती हूँ। तो जब फरवरी मार्च में एक बार मैं वार्मी कंपोस्ट और मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में यूज़ की थी, उसके बाद से इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। हमारे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे 44 डिग्री आ गया है टेम्परेचर, और मेरे टेरेस में प्लांट्स हैं। मैं दो बार इसको मैं वाटरिंग करना पड़ता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। और अभी मैं फर्टिलाइज़र के हिसाब से सिर्फ किचन वेस्ट का लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी तरह डबल फ्रेश वाटर में मिलाकर मैं यूज़ कर रही हूँ सभी प्लांट्स में, और कुछ फर्टिलाइज़र मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत यहाँ पे गर्मी है। प्लांट्स को यहाँ पे टेरेस में रखना मुश्किल हो रहा है, इतना गर्मी इसके पहले नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते कितने अच्छी तरह फ्लावर्स फिर भी खिल रहा है। मेरे प्लांट्स अभी तक बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही सुंदर है, और मैं इतना ज़्यादा फ्लावरिंग देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।